Hey, what's up guys? This is Ujjwal Kumar Sen and you're watching Ujjwal Kumar Sen YouTube channel. तो आज क्या है स्टोरी फर्स्ट है और स्टोरी क्या है दो स्टूडेंट्स के हैं दो लड़के के हैं जो एक कॉलोनी से बिलोंग करते हैं. तो कहानी यहाँ पर शुरू होता है जब वो प्लस टू कंप्लीट कर लेते हैं. प्लस टू कंप्लीट करने के बाद एक लड़का जो होता है जो राम कुमार होता है वो क्या करता है वो बेसिकली एक एग्ज़ाम देता है गवर्नमेंट जॉब्स का और वो क्रैक कर लेता है. जो और एक बॉय होता है उसका नाम अभिषेक होता है वो क्या करता है उस भी एग्ज़ाम दिया लेकिन उसका क्रैक नहीं हुआ. लेकिन जो कॉलोनी के बाकी सारे लोग थे वो सारे बोलते थे कि अभिषेक राम कुमार से ज़्यादा टैलेंटेड था. बट जब रिजल्ट आया लोगों का जो मेंटेलिटी था वो चेंज हो गया. लोगों ने क्या बोलने लगा कि नहीं अभिषेक से ज्यादा टैलेंटेड राम कुमार है बिकॉज राम कुमार को जॉब लगा. अभिषेक बहुत अच्छा स्टूडेंट था डिटरमाइंड था डायरेक्शन था. उसे कहानी कुछ ये था उसने फिर क्या करा प्लस टू के बाद इंजीनियरिंग करा. दोस्तों वो इंजीनियरिंग करने के बाद रिसेशन इतना आया उसका जॉब लगा नहीं. जॉब लगा भी तो 8-10 हज़ार पर मंथ का लगा. लोग उनके मजाक उड़ाने लगे कि क्या इंजीनियर बना है. लेकिन उसने फिर गेट पेपर क्रैक करके एमटेक करा और एमटेक करने के बाद उनके डायरेक्ट सैलरी लगा 50,000 रुपीस पर मंथ का. उन्होंने फिर जॉब करा और ऐसे करते करते लगभग 10 साल बीत गया. अभिषेक उस टाइम कॉलोनी को छोड़ चुका था लेकिन सडनली अभिषेक और उस बंदे का जिसका गवर्नमेंट जॉब लगा था उनके मुलाकात होते हैं एक सिटी पर जो है टैली. अभिषेक किसी वजह से आते हैं और वो बंदा भी अपने किसी वजह से आता है. जब दोनों मिलते हैं मिलने का जो कंडीशन है वो ऐसा होता है जो बंदा आता है राम कुमार वो बस से निकलता है और अभिषेक निकलता है एक बहुत ज़्यादा महंगा गाड़ी से. अब वहां पर कुछ गांव के बंदे भी रहते हैं और अब वो बोलते हैं क्या सोचने की नहीं अभिषेक ज्यादा टैलेंटेड था. तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है लोग आपको आपके करंट सिचुएशन देख के बोलेंगे आप कैसे कंडीशन में हो. वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे उस चीज को लेते हो पॉजिटिव में या नेगेटिव में. तो दोस्तों मेहनत करते रहिए वेल डिटरमाइंड रहिए सक्सेस आपके लिए वेट कर रहा है. सो गाइस आज की स्टोरी इतना ही था. तो आगे नेक्स्ट संडे 10 बजे और एक स्टोरी के साथ आऊँगा जो आपको बहुत अच्छा लगेगा. तो मोटिवेटेड रहिए और पढ़ते रहिए मेहनत करते रहिए. थैंक यू वेरी मच बाय बाय.